स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए कुछ डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन में स्टेप अप फाउंडेशन ने स्टीरियो एडवेंचर के सहयोग से रन बन फेस्ट हाफ मैराथन का किया था आयोजन। पार्टी किले पर हजरत जानसावली बाबा के दरबार में राती वेरीफाई और उर्स शरीफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दादरा नगर हवेली में रोटरी क्लब ऑफ सिलवासा द्वारा किया गया था पौधारोपण। तीन माह से बेवाओं को पेंशन नहीं मिलते, दमन प्रशासन को महिलाओं ने समस्या से कराया अवगत। अब समाचार विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश दमन में शेप अप फाउंडेशन ने स्टीरियो एडवेंचर के सहयोग से दमन रन बन फेस्ट हाफ मैराथन का किया था आयोजन। केंद्र शासित प्रदेश दमन में स्टेप अप फाउंडेशन ने स्टीरियो एडवेंचर के सहयोग से दमन रन बन फेस्ट हाफ मैराथन का आयोजन किया था। मोटी दमन जेटी पर आयोजित रन बन में 45 शहरों से 500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इसके साथ जुम्मा डांस का आयोजन भी किया गया ताकि दौड़ने से पहले बॉडी फ्रेश हो सके। मोटी दमन जेटी पर विशाल टंडेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश भाई पटेल, रुद्रेश टंडेल ने झंडी दिखाकर मैराथन शुरू करवाई। उनके साथ पुलिस अधिकारी सेबेस्टियन देवसिया सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे थे। मोटी दमन में 3, 5 और 21 किलोमीटर की दौड़ में अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। दौड़ के बाद विजेताओं को प्रशासक के सलाहकार एसएस यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश भाई पटेल और स्टेप अप फाउंडेशन के चेयरमैन विशाल टंडेल द्वारा पुरस्कार भी दिया गया। Let me first thank you all for participating and making this event a very successful one. Well, friends, यहाँ पर इतने जोश में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स, मेरा गला थोड़ा खराब है विशाल। देखिए, सबसे पहले तो ये दमन रन बन जो फेस्ट है
वो स्टेप अप फाउंडेशन दमन हमारा जो एनजीओ है उन्होंने स्टीरियो एडवेंचर जो स्पोर्ट्स इवेंट कंपनी उनके साथ मिलकर ये रन बन का आयोजन किया है। उसका मेन मकसद जो है ग्लोबल कॉजेस है, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आपने देखा होगा कि अलग अलग ग्लोबल कॉजेस के ऊपर उन्होंने अपनी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाई है। जैसे हम दमन और दीव समंदर किनारे बसने वाला हमारा ये प्रदेश है, तो हमारी जो सी है वो प्लास्टिक फ्री सी रहे, हमारा जो जवान है हमारे जो भारत की जो जनता है वो फिट रहे, इसलिए फिट इंडिया का हमारा थीम है। उसी के साथ आज जन संचय का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस हमारी भारत सरकार ने भी उसे लिया है, वो भी हमारा कॉज है सेव अवर वाटर्स। तो ये तीन कॉजेस के ऊपर हमने ये सनबर्न फेस्ट रखा है और करीबन 45 सिटीज से पूरे भारत की 45 सिटीज से यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और आज यहाँ पर आए हैं। ये एक रिकॉग्नाइज सर्टिफाइड हाफ मैराथन है जिसमें 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की दौड़ अभी अभी यहाँ पर हमने शुरू की है। ये दमन में ये पहली बार ये कोस्टल रूट के ऊपर हो रहा है। हम ये आने वाले लगातार सालों में हर साल इसी महीने में हम ऐसी दौड़ यहाँ पर करेंगे। नानी दमन का जब कोस्टल रूट पूरा तैयार हो जाएगा तब हम फुल मैराथन का भी हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज हम करेंगे। और आज जिस उत्साह से उमंग से आज युवाओं ने हमारे आसपास के क्षेत्र से वापी से वलसार से और 45 अन्य दूसरी सिटी से जो पार्टिसिपेंट्सों ने यहाँ पर हमारा हौसला जो बुलंद किया उन सभी को मैं बधाई देता हूँ, उन सभी को मैं दमन में स्वागत करता हूँ। और ऐसे एडवेंचरस स्पोर्टी इवेंट्स हम करते रहेंगे तो बिल्कुल जज्बा हमारा बना रहेगा, हम फिट रहेंगे। और दमन कुछ और नामों के लिए जाना जाता रहा है लेकिन अभी दमन हमारा बदल रहा है। हमारा आदरणीय प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी ने भी जैसे कहा, उनका भी एक सपना रहा है कि दमन को हमें जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, ऐसे ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हम सोच रहे हैं आने वाला जो कल है उसमें हमारे दमन के युवा स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़े। पार्टी के किले पर हजरत चांदशाह वली बाबा के दरबार में राती में रिफाई और उर्स शरीफ का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। पार्टी के ऐतिहासिक किले पर आए हुए हजरत चांदशाह वली बाबा के दरगाह पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुस्लिम भाइयों द्वारा रातिबे रिफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू एवं मुस्लिम भाई उपस्थित रहे थे। साथ ही रविवार के रोज उर्स शरीफ का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। हिंदू मुस्लिम ने सभी परिवारों ने इकट्ठा होकर आम नियाज दावत का लाभ भी लिया था। कार्यक्रम में इकबाल मलिक, फहीम आरिफ दमनिया, नयमुद्दीन शेख, फैजल भाई, शाहरुख भाई इत्यादि हिंदू मुस्लिम भाइयों ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया था और कौमी एकता का उत्कृष्ट उदाहरण भी दिया था। આજે મારા હજરત ચાંદશાહ વલી બાબાનો ઉર્સ શરીફ છે। આ ઉર્સ શરીફના મુબારક મોકા પર અમે હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓ સાથે મળીને એમની ઉજવણી કરીએ છીએ। દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ અમારા હિન્દુદ્દીન શેખ, ઇકબાલ મલેક, નિરંજનભાઈ, શાહરૂખ ભાઈ, ફૈઝલ ભાઈ, આરિફ ભાઈ, સઈદ ભાઈ, અમારો આખો ગ્રુપ એક સાથે છે। સર્વપ્રદેશ દાદરાનગર હવેલી મે રોટરી ક્લબ ઓફ સિલવાસા કે સહયોગ દ્વારા પૌધારોપણ કાર્યક્રમ કા ક્યા ગયા થા આયોજન। रोटरी क्लब ऑफ सिलवासा द्वारा संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र सिली गांव में
हरदुनपाड़ा श्मशान क्षेत्र में विभिन्न जाति के लगभग 3000 जितने पौधों का अद्विता गुरुकुल सिली के स्कूली छात्रों के सहयोग से पौधारोपण कर कार्य संपन्न किया गया। दादरा नगर हवेली प्रदेश में वन विभाग एवं विभिन्न संस्थानों द्वारा इस साल मानसून में दादरा नगर हवेली प्रदेश में हरियाली क्रांति लाने के प्रयास आंदोलन की तरह चलाया जा रहा है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली प्रदेश में रोटरी क्लब और सिलवासा एवं वन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जाति के 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य एक आंदोलन की तरह चलाया जा रहा है। प्रदेश के लिए आज हरियाली क्रांति व पॉल्यूशन के लिए अत्यंत जरूरी माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब ऑफ सिलवासा के पदाधिकारीगण, किलवणी पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि सहित अद्विता गुरुकुल सिली के काफी संख्या में स्कूली छात्र मौजूद रहे थे। क्लब नंजे दादरा नगर हवेली सिलवासा अने अमारा जे किलवणी पटेलादनी अंदर जे गुरुकुल स्कूल जे आवेली छे आ स्कूल ना माध्यम थी अमारा किलवणी पटेलादमा सर तमारा नाम आर के नायक आई के नायक जे आया छे अमारा किलवणी पटेलादमा आवी अने अमने पंचायत जिला पंचायत अने सरपंच अमारा किलवणी पटेलादनो आखो ग्रुप जगन भाई अने जीएस भाई आर के नायक साहब एने जे अमने जे परमिशन मांगी छे के अमारे वृक्ष रोपण जे करवानो छे वृक्ष रोपण करवानो छे तो के पंचायत तरफ थी अमने जे जमीन जोए छे तो अमे नायक साहब ने हाँ पाड़ी अमारा शमशान घाटनी अंदर सीली हळदुनपाड़ा अने कुआपाड़ा अने रानपाड़ा ए जमीन नू जे अमे साहेब ने जे लेखित पत्रिका प्रमाण पत्रिका जे आपी छे अने एना थ्रू अमारा नायक साहेबे अने गुरुकुळनो जे आखो ग्रुप मळी अने पंचायत मळी અને અમે શમશાન ઘાટની અંદર વૃક્ષ રોપણ જે કરીએ છીએ સાથે મળીને તો ખરેખર નાયક સાહેબને ધન્યવાદ બાળકોને પણ ધન્યવાદ એક પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કિયા હૈ ઓગસ્ટ મહિના સે પ્લાન્ટ ટ્રી 10,000 જિસમે દાદરા નગર હવેલીમાં 10,000 ટ્રી પ્લાન્ટેશન કી પ્રોજેક્ટ સે રોટરી ક્લબ સભી જગહ પર કર રહા હૈ तो सिलवासा में SMC के साथ में मिलके किया है। अताल लुहारी रोड में DNH इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड विसन इंडस्ट्री के साथ में मिलकर के किया है। SMC के साथ में सिलवासा में 500 ट्री प्लांटेशन किया है एंड अनदर एक दो दिन के अंदर में 1,000-2,000 करने जा रहा है। सिल्ली एरिया में हमने लास्ट वीक में सिल्ली ग्राम पंचायत में किलोनी ग्राम पंचायत में गया, सरपंच से मिला, बाकी सभी दिलीप जी थे, जिला पंचायत मेंबर एंड सिल्ली का इसी वार्ड का जो मेंबर जगन भाई, बाकी सभी से मिला तो उन्होंने इधर की 3 क्रेमेटोरियम हमको प्लांटेशन के लिए दिया रोटरी क्लब को। हमने आज इधर रोटरी क्लब की मेम्बर्स के साथ में अद्वैता गुरुकुल स्कूल की बच्चियों के साथ में आ करके आज की तारीख में हमने इधर 1,000 ट्री का प्लांटेशन इधर कर रहा है। दमन में पिछले 3 माह से नगर पालिका द्वारा बेवा बूढ़े और दिव्यांगों को दिए जाने वाला पेंशन नहीं मिला हो समस्या को लेकर महिलाएं पहुंची थी प्रशासक के पास। संघ प्रदेश दमन में नगर पालिका द्वारा दिए जाने वाला पेंशन जो बेवा बूढ़े और दिव्यांगों को दिया जाता है पर पिछले 3 माह से ये पेंशन दिया नहीं जा रहा हो गरीब महिलाओं को घर का गुजारा चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समस्या को लेके 30 जितनी महिलाओं ने इकट्ठा होकर प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के समक्ष जाकर उनको मिलने वाले पेंशन मिले उसके बारे में अवगत करवाया। साथ ही हर महीने नियत समय पर पेंशन मिल जाए ऐसी व्यवस्था करने की मांग भी की गई, जिसके बाद समग्र मामले पर प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने जल्द से जल्द कार्यवाही करने के लिए भरोसा दिया।
तो अब कितनी जल्द इस समस्या पर कार्यवाही होती है उसके ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई है। 3 महीना ने विधवा बहन ने पेंशन बाकी छे ना कारण में मिस्टर बबुल भाई ने मरवा माटे आया छे ने बबुल भाई हमने 700 घणो આપ્યો છે ને કીધું છે કે 3 દિવસ માં તમને પૈસા મળી જશે। 30 મહિલાઓ અમે આવેલી છે। 3 મહિનાના પૈસા બાકી છે। ભીમપોળમાં દલવારામાં બધે મહિને મહિને મળે છે પણ આ દમણમાં જ અમને છે ને 3 મહિના 4 મહિનામાં પૈસા મળે ને બધા પૈસા ગુણમાર થાય છે। થોડા પૈસા બી નહીં અમને મળે પછી એટલે અમે કહેવા માંગીએ કે અમને મહિને મહિને પેન્શન મળવું જોઈએ। મદદ કરી રહી કે બેન મળી જશે 3 દિવસ ની અંદર ને એને ફોન બી કર્યો ને કીધું એડમિસ્ટર સાહેબ સાફ સરકાર ઘણો આપ્યો બકુલભાઈ તમને। Stationery and Xerox welcomes you to a new stationery and gift shop in Dilipnagar. We have all types of branded schools and office stationery such as Navneet, Domes, Camlin, Classmate, branded office files, box files, diaries, compass pouches, water bottles, tiffin school bags, plastic folders, USB sticks and all Xerox copies, paper, color print, lamination and Xerox. And also we have all types of gift articles, gift kits, various statues, showpieces, fashionable handbags, purses, crockery, perfume, wristwatches, wall clocks, photo frames, sceneries, decorative night lamps, room sprays, keychains, soft toys and games items like laser lights, batteries, torch, project items like minor motors and also glue gun. All types of birthday items, colorful balloon, candles, caps, etc. all are available at our shop. Please to visit to our shop name Sai Krupa Stationery and Xerox and Gift Shop in Dilipnagar. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वलसाड रूरल पुलिस ने हाईवे पर से यान से भरे टेम्पो की अवेज में ले जा रहे शराब को क्या बरामद। वलसाड रूरल पुलिस थाने के PSI जीवी गोहिल को जानकारी मिली थी कि दमन से यान भरकर आयसर टेम्पो नंबर DN09D9425 में शराब भरकर ले जा रहे हैं। उसी के मद्देनजर वलसाड के गुंदाव हाईवे पर वॉच रखकर आयसर टेम्पो आते ही रोक कर तलाशी लेते टेम्पो में से 3 लाख के शराब की जत्थे को बरामद किया गया था। साथ ही टेम्पो चालक स्वामी नारायण कुबेर यादव निवासी वापी के खिलाफ गुना दर्ज कर 13 लाख के मुद्दा माल को कब्जे में लिया गया था। पार्टी में पवित्र श्रावण माह में 400 जितने भूदेवों ने एक साथ किया ब्रह्म भोजन। पार्टी एकलिंग जी महादेव मंदिर के सांस्कृतिक हॉल में रविवार को
पूर्व मोडापोंडा कॉलेज के प्रिंसिपाल बी एम जोशी द्वारा ब्रह्म भोजन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 400 जितने भूदेवों के साथ स्वाध्याय मंडल के 100 से ज्यादा ऋषि कुमार उपस्थित रहे थे। सीहोर संप्रदाय ब्रह्म समाज के मुंबई, सूरत, वलसाड़, वापी के भूदेव खास तौर पर उपस्थित रहे थे। भागवत कथाकारों ने उपस्थित रहकर आशीर्वचन दिए थे। निवृत्त प्रिंसिपाल बी एन जोशी लंबे समय से अति पिछड़े कपराड़ा तहसील में शैक्षणिक और सामाजिक प्रवृत्तियां कर रहे हैं। तो इसी के साथ एक साथ 400 जितने भूदेवों को ब्रह्म भोजन करवा कर भूदेवों के आशीर्वाद प्राप्त किए थे। जो भाई आशीष भाई है, આજ નિમિત્તે મારા દાદાજીની ઈચ્છા હતી, નારાયણભાઈ નરસિંહભાઈ જોશી એની ઈચ્છા હતી કે બ્રહ્મ સમાજની ચોર્યા સિદ્ધાય સાથે ભૂદેવો અને ઋષિકુમારોનું બ્રહ્મ ભોજન થાય, એટલા માટે એકલિંગી મહાદેવમાં અમે બધા મળીને આ ભગવાનનો અભિષેક કરી અને સાથે બ્રહ્મ ભોજન કરાવેલું છે। એ જોશી સાહેબના આવાસે કામ થયું છે। મહાદેવજીની કૃપા આ શ્રાવણ મહિનો અને એટલા ભૂદેવો ભેગા થઈ અને બ્રહ્મ 84 થાય, આ 84નો મતલબ એટલે પિતૃઓની પાછળ જે આપણે કહીએ છીએ બ્રહ્મભોજન, એ નિમિત્તે આજે બ્રહ્મભોજન કરવામાં આવ્યું। સૌ ભૂદેવો પધાર્યા, એ બધાનો ખૂબ ખૂબ અમે અમારા પરિવાર ઋષિ પરિવાર વતી આભાર માનીએ છીએ। અને કોના દ્વારા સમગ્ર આયોજન? આ આયોજન જોશી કરતા અમારા બી એન જોશી સાહેબ, એમણે આ બેન જગકો અને આ 84 મેવાડાથી માંડીને બધા બ્રહ્મ સમાજને ભેગા કરી અને આ એકલંગી મહાદેવમાં આ 84 કરે છે। સમાચારો કે અંતમાં આવી નિર્ગાલ્ય હાથકી સુર્ખીઓ પર दमन में स्टेप अप फाउंडेशन ने स्टीरियो एडवेंचर के सहयोग से रन बन फेस्ट हाफ मैराथन का किया था आयोजन। पार्टी किले पर हजरत चांसावली बाबा के दरबार में राति वेरीफाई और उर्स शरीफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दादरा नगर हवेली में रोटरी क्लब ऑफ सिलवासा द्वारा किया गया था पौधारोपण। तीन माह से बेवाओं को पेंशन नहीं मिलते, दमन प्रशासन को महिलाओं ने समस्या से कराया अवगत। तो अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।